मैं आप लोग को बता दूंगा हीटर का क्या काम है और हीटर किस काम में आता है, हीटर क्यों लगाया जाता है और हीटर से क्या फायदा है। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से एक बार है हमारे प्यारे से आरिफ भाई हमारे साथ में। तो आरिफ भाई, आज कौन से सब्जेक्ट पे हमें नॉलेज देने वाले हो आप? मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज हीटर के बारे में। ओके, आज का हमारा सब्जेक्ट हीटर है आरिफ भाई। हीटर है आज का सब्जेक्ट ये वाला। मैं आप लोग को बता दूंगा हीटर का क्या काम है और हीटर किस काम में आता है, हीटर क्यों लगाया जाता है और हीटर से क्या फायदा है। ओके ओके, तो आरिफ भाई हीटर के बारे में आप क्या बताना चाहोगे कि हमें कहाँ पे हीटर यूज करना चाहिए और हीटर का हमें क्यों यूज करना चाहिए? एक्चुअल हीटर जो है ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि हीटर के बारे में कि हीटर क्यों यूज़ किया जाता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई मैंने मच्छी तो ले ली, हमने मच्छी खरीद ली, अभी नया नया टैंक लिया है, मगर उसके अंदर पता नहीं है कि हीटर का क्या काम है। सबसे पहले आप लोग को बोलूँगा कि हीटर का सबसे बड़ा रोल है इसके अंदर मच्छी के अंदर, क्योंकि जो बीमारी होती है, बीमारी के बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज को मारने के लिए ये हीटर काम आता है। क्योंकि पानी जो गर्म करता है, डॉक्टर अगर बोलता है बंदे को जाने के बाद कि पानी गर्म करके पियो क्योंकि उसके अंदर का बैक्टीरिया मरता है, तो ये जो है हीटर पानी गर्म करता है, वार्म करता है, तो इसके वजह से पानी के अंदर का बैक्टीरिया मरता है। मच्छी के जो बॉडी के ऊपर डिसीज होती है, जो अंदर बारीक बारीक जो बैक्टीरिया है, जो उनको जो इन्फेक्शन, जो मतलब जैसे कि फंगल वगैरह जो होने के जो आसार है, इसको मार देता है ये। तो आप लोग भाई, अगर हमारा छोटा टैंक है तो उसके लिए कौन से साइज का हीटर हमें यूज़ करना चाहिए? अदरवाइज अपना अगर बड़ा टैंक है तो उसके लिए कितने वाट का हीटर हमें यूज़ करना चाहिए? अगर आपका छोटा जैसे मिनी टैंक होता है, काफ़ी लोगों के पास 1 फीट का टैंक है या 1.5 फीट का टैंक है, तो आप लोगों को ये 75% या 100% का, 100 वोल्ट का, 75 वोल्ट या 100 वोल्ट का या 150 वोल्ट का आप इसको हीटर यूज़ कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि लोग की जो साइज़ होती है छोटी होती है। एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है कि टैंक की जो साइज़ छोटी रहती है तो बड़े हीटर उसमें बैठते नहीं है, तो आधे बाहर रह जाएंगे तो फूट जाएंगे, तो इसके लिए आपको ये स्मॉल साइज का हीटर आता है, छोटा नानो टाइप में। तो आप इसको इजीली छोटे टैंक में आप इस तरह से किधर भी साइड में इसको लगा सकते हैं। आपका टैंक में थोड़ा सा बैठता नहीं है, हाइट में नहीं बैठ रहा, तो आप इसको इस तरह से क्रॉस में लगा सकते हो उसको हीटर को। कम्प्लीटली इनसाइड वाटर होना चाहिए हीटर का। एक तो जरूरी ये है कि पूरा कम्प्लीटली पानी के अंदर रहना चाहिए। अगर आप नॉर्मल जैसे कि गीजर वगैरह लगाते हैं या पानी का जो आता है वो पानी गर्म करके ले रॉड आता है, वैसे आप इसको 50% अंदर और 50% बाहर रखेंगे तो हीटर फट जाएगा। आप लोग को ये ध्यान रखना है हीटर का, आप लोगों को सॉइल के नीचे नहीं घुसाना है या पेबल्स के नीचे इसको डालना नहीं है, हीटर को फट जाएगा। कांच का है, एक पतली सी लहर होती है कांच के ऊपर, उसके अंदर 2 से 3 mm की, तो आपको ध्यान रखना है इसको हीटर को कि आपको सॉइल के अंदर नहीं डालना है और पेबल्स के अंदर नहीं डालना है। और दूसरा, आधा बाहर भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, 100% आपको इसको अंदर वाटर के अंदर रखना है इसको, क्योंकि क्या होता है ये गर्म जब होता है ना तो ये क्या होता है कि पूरी बॉडी को यहाँ तक गर्म करता है कांच का। अगर आप पर्टिकुलर इतना थोड़ा सा बाहर रखते हो हल्का सा, तो चांसेस है कि भाई ये फटने उठने के चांसेस है कभी, तो प्रॉब्लम है। इसके लिए 100% पानी में रखेंगे तो बेस्ट है, पानी भी गर्म रहेगा। और अंदर काफ़ी लोग को लगता है कि भाई ये ऊपर का जो है इसका, ये यहाँ से पानी चले जाएगा अंदर, तो मैं आप लोग को बता दूंगा कि इसके अंदर पानी नहीं जाता, ये पूरा कम्प्लीटली पैक होता है। ये राउंड इस तरह से बनाया होता है कंपनी के अंदर पानी जाता नहीं है इस तरह से। हाँ, जिस तरह से आप देखेंगे इधर भी दिखाया है कि कम्प्लीटली इसको वाटर में आप रख सकते हो, टोटली वाटर में, जिस तरह से मैंने यहाँ पे रखा हो आप यहाँ पे टैंक में देख सकते हो, यहाँ के टैंक में, यहाँ पे देखो या फिर उधर फ्लोरन के टैंक में देखो, कम्प्लीटली मैंने वाटर किया। ये थोड़ा सा एक मेरे हिसाब से सेफ्टी के हिसाब से आपके लिए बेस्ट है कि आप उसको कम्प्लीटली पानी में रखें। और सेकेंड थिंग आपको बता दूँ कि जब भी आप पानी चेंज करने वाले हो, आपको पानी साइफन करना है या पानी चेंज करना है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आधा घंटा पहले हीटर बंद करना है। ओके, आधे से 15 मिनट पहले आपको हीटर बंद करना है। अगर आप हीटर बंद करना भूल जाते हो, बटन बंद करना भूल जाते हो, तो फिर आपका हीटर फट जाएगा ये। ये भी एक बात, हाँ, ये गर्म होता है, हीट होता है ना, तो आपको करंट वगैरह लगने के चांसेस है इसके वजह से। ओके, और आदि भाई ये साइज के बारे में बता रहे थे आप, फिश टैंक के साइज के हिसाब से। छोटे टैंक में आपको स्टार्टिंग है 75 से 150 तक आपको वोल्ट का यूज करना है। अगर आपका टैंक 2 फुट का है तो आप 200 वोल्ट भी यूज कर सकते हैं। हाइट वगैरह काफी लोगों की चेंजेस होती है, कोई 8 साइज का बनाता है, कोई 2 फुट का बनाता है, कोई 8 से 9 इंच का बनाता है। अपने अपने हिसाब से टैंक बनाते हैं, उस हिसाब से टैंक का हाइट देख के आपको हीटर का लेना है, आपको खरीद भाई। अगर 6 फीट का वगैरह टैंक रहता है तो हमें 6 फीट के 2 से 3 हीटर यूज करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये जो हीटर 300 का वोल्ट का है, ये 5 से 6 फुट के टाकी को भी कवर करता है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जहाँ पे
बबल्स निकलता है, आपको वो साइड में हीटर को ऑन करके लगाना है, क्योंकि क्या होता है जब पानी हिलता है ना तो वो वाटर सर्कुलेशन होने की वजह से पूरा पानी गर्म हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप 500 वोल्ट का या 1000 वोल्ट का हीटर लगाओ, ज़रूरी नहीं है। आप 6 फुट के टाके के लिए 300 वोल्ट तक का हीटर यूज़ कर सकते हैं, ये लास्ट साइज है। और आप लोग को बता देता हूँ काफ़ी सारी कंपनीज है इसके अंदर, ये कम से कम वाले प्राइस में 250 समथिंग, 300, 350 समथिंग रेंज से लेके 250 के रेंज से लेके हीटर कम से कम 1500 3,500-4,000 रुपये के रेट में भी हीटर आते हैं। जैसा डिपेंड, हाँ जैसा डिपेंड, जैसे कि बहुत सी कंपनी है, रैना वगैरह का लेंगे, एडमेन का लेंगे, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी इसके नाम है, अलग अलग टाइप के हैं, थोड़े से अच्छी क्वालिटी के रहते हैं, बट पानी सब गर्म करते हैं, डिफरेंट टाइप का है, जिसका जैसा बजट है वैसा लेवे। और आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपके घर में एसी है, एयर कंडीशन, तो आपको हीटर ज़रूरी यूज़ करना, क्योंकि एयर कंडीशन है तो यूज़ करना ही करना है। जैसे कि फ्लोरॉन नरवाना, या फिर आपका डिस्कस है, या आपके पास चिकलेट्स है, या फिर आपके ट्रॉपिकल फिशेज है, कोल्ड फिश वगैरह है, तो आपको हीटर कंपलसरी यूज़ करना है। जब जब आप एसी यूज़ करते हो तब तब आपको हीटर ऑन करना है, क्योंकि एसी की वजह से मच्छी को काफ़ी प्रॉब्लम आता है, वाइट स्पॉट्स वगैरह ज़्यादा आते हैं, और उसके वजह से मच्छी मरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम यही है कि भाई हमारे घर में एसी है तो हमने मच्छी पाल रखी है तो हमारी मच्छी मरती है, तो उसका रीज़न यही है कि आपका पानी ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो उसके वजह से मच्छी प्रॉब्लम में आती है और मच्छी मर जाती है। तो अभी भाई ये जो हीटर है एक्वेरियम हीटर, उसमें हमें कितना टेम्परेचर सेट करना चाहिए? डिपेंड ऑन द साइज़ भाई, अगर आप 300 वोल्ट का हीटर यूज़ कर रहे हो, 4 फुट का टैंक है आपका, या 5 फुट का टैंक है, या 6 फुट का टैंक है, तो आपको ये फुल पे रखना है, 32 या 30 के टेम्परेचर पे रखना है। अगर आपका टैंक छोटा है, एग्जांपल आपका 2 फुट का टैंक है, 2.5 फुट का टैंक है, तो आप 28 पे चलाएंगे, 28 पे चलाएंगे तो ये हीटर जो है 28 पे चलाने के बाद ये 32 का टेम्परेचर बताते हैं। आप अगर थर्मामीटर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा 32 का बता रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इसका टेम्परेचर, अगर आप बड़े टैंक में यूज़ करते हो तो आप फुल पे यूज़ करें, आपके पास ज़्यादा पानी है तो, अगर आपके पास पानी कम है, टैंक छोटा है, तो आप हल्के पे 28 पे यूज़ करो, 27 पे यूज़ करो, 28 पे यूज़ करो। ओके, 28 इनफ है। और बॉम्बे का जो टेम्परेचर 32-31 समथिंग है, अगर अदर बाहर का जो है दूसरे स्टेट में है, जैसे कि एग्जाम्पल दिल्ली में होता है, यूपी में होता है, या फिर अदर दूसरे जो है नैनीताल वगैरह या शिमला वगैरह, यहाँ का जो क्लाइमेट काफ़ी ठंडा होता है, तो आप लोग यहाँ पे 28 पे तो हीटर चालू करके कंटिन्यू चालू छोड़ देना। और अगर हो सके तो अगर क्लाइमेट ठंडा रहने की वजह से इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि टाकी जो है बाहर से क्लाइमेट की वजह से ठंडी होती रहेगी, तो आप इसको कंटिन्यू भी चालू रख सकते हैं, ऑटोमेटिक बंद चालू। विंटर में अगर जैसे दिल्ली वगैरह सिटी है वहाँ पे विंटर में हमें चालू ही रखना है कंटिन्यू इसको, है ना, वहाँ पे इतना। अरे भाई मेरा एक सवाल है कि कौन से टाइप के फिश के लिए हमें हीटर यूज करना चाहिए? ऐसे कुछ टाइप के फिशेस है कि जिनके लिए हीटर यूज करना चाहिए, और कुछ फिशेस ऐसी है जिनको हीटर यूज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ है? ऐसा है, क्योंकि कार्डिनल टेट्रा को हीटर चलता नहीं है, टेट्रास वैरायटी को। तो आप लोग को ये हीटर अगर व्हाइट स्पॉट वगैरह टेट्रास वगैरह को लगता है, नियॉन्स को, या फिर कार्डिनल्स को, या फिर दूसरे टेट्रास को, तो ये पानी ज़्यादा गर्म करेगा तो इससे टेट्रास मरने के चांसेस होते हैं। तो आप लोग को ओनली फॉर ट्रॉपिकल फिशेज, जैसे गोल्ड फिश हो गया, डॉलर्स हो गया, एंजल हो गया, या फिर मॉलीज है, या फिर आपका चिकलेट वैरायटी, या डिस्कस है, या फ्लोरॉन है, ये सब ऑस्कर है, लोग को हीटर लगना कंपलसरी है। ट्रॉपिकल फिशेज के लिए हमें यूज करना चाहिए? हाँ, ट्रॉपिकल एंड चिकलेट फिश के लिए आपको हीटर लगाना कंपलसरी है। ओके, और बाकी टेट्रास के लिए वगैरह हमें जनरली यूज नहीं? टेट्रास के लिए व्हाइट स्पॉट्स वगैरह आता है, तो आपको ओनली फॉर ब्लू लिक्विड से आपको ट्रीटमेंट करना है, ब्लू लिक्विड एंड सॉल्ट, प्लस ब्लू लिक्विड का यूज नहीं करना है टेट्रास। नहीं, टेट्रास में हीटर नहीं लगा सकते, क्योंकि क्या होता है कि टेट्रास को चलता नहीं हीटर। मेरे भी टैंक में आप देखेंगे यहाँ पे मैंने हीटर नहीं लगाया, वो यहाँ पे हाँ, क्योंकि इन लोग को चलता नहीं है, मॉलीज वगैरह को चलता है, पैरेट को चलता है, डिस्कस को चलता है, चिकलेट को चलता है, तो आप वो मच्छी को लगा सकते हो इजीली। जैसे कि आपने ये फ्लोरॉन के टैंक में लगाया हुआ है? हाँ, फ्लोरॉन में यहाँ पे लगाया हुआ है, डिस्कस में लगाया हुआ है, यहाँ पे हीटर आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, और आप ऑस्कर में भी लगा सकते हो, पैरेट में भी लगा सकते हो, चिकलेट में भी लगा सकते हो। सब्सक्राइब फिशेस एंड प्लांट्स सो यू कैन सी अवर अपकमिंग वीडियोस। कि जैसे कि कश्मीर वगैरह साइट में जो मेरे व्यूवर्स है जो देखते हैं वीडियो, जो मुझे लाइक करते हैं, तो लोगों के लिए बताऊंगा, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, जैसे कि नैनीताल शिमला वगैरह, यहाँ पे ज़्यादा ठंडी होती है, जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, तो उन लोग के लिए लाइट वगैरह भी चली जाती है, तो उन लोग के लिए बता देता हूँ। अगर वो नॉर्मल पानी गर्म करके भी अगर टैंक में डालेंगे तो भी चलता है, अगर वहाँ पे लाइट नहीं है तो। अगर लाइट है तो आप पानी हीटर चालू रखें, और अगर लाइट चली जाती है तो उतने टाइम के लिए वो पानी गर्म होता है, उससे प्रॉब्लम नहीं आएगा।
अगर ज़्यादा ठंडी है, दो दो दिन तक लाइट चली जाती है काफ़ी जगहों पे, तो आप पानी गर्म करके भी डाल सकते हैं टैंक के अंदर। तो आरिफ भाई, ये लोग बोलते हैं कि थर्मामीटर भी यूज यानी लगाना चाहिए टैंक के अंदर में, क्या वो नेसेसरी है? एक्चुअल अगर हीटर यूज़ कर रहे हो तो आपको थर्मामीटर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप थर्मामीटर लगाते हो तो आपको पता चल जाता है कि मेरे टैंक का टेम्परेचर क्या है, मेरे पानी, हाँ पानी कितना ठंडा हो गया है। जैसे कि एग्जांपल 27 या 27 के नीचे अब वो चले जाता है तो आपको हीटर लगा ले, क्योंकि ठंडे पानी की वजह से मच्छी को वाइट स्पॉट्स आता है काफ़ी। जैसे अरे भाई, इसका वाला जो टेम्परेचर सेट करते हैं तो उसका कैसा टेम्परेचर सेटिंग का अरेंजमेंट रहता है? एक्चुअल हीटर के अंदर दिया हुआ होता है ऑलरेडी ऊपर, इसके अंदर जो है एक बटन दिया हुआ रहता है, उसके अंदर लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे ऊपर से इसको घुमाना होता है, यहाँ पे 28 तक लाके आपको छोड़ना है। ये जो नीचे की लाइट है, लाइट ऑन होती है, सब हीटर के अंदर लाइट ऑन होती है चालू करने के बाद। इसके अंदर ऊपर की तरफ दिया हुआ ये कंपनी के अंदर, इसको घुमा के राउंड करके ऊपर की तरफ घुमाना है, इसको रोटेट, सब टेम्परेचर सब सब हीटर के अंदर आपको उसको घुमाना ही होता है, कि घुमा के एक ज्यादा टेम्परेचर स्लो पे आप जैसा चाहिए वैसा रख सकते हो। ओके, और वो टेम्परेचर का हमें वैल्यू भी दिखता है ना उसमें कितना रखा, उसके अंदर दिखता है ऊपर जो है ना कंपनी ने जो है ना उसके अंदर लिख के रखा हुआ है कि भाई इतना इतना चाहिए, इतना इतना चाहिए, तो वो हिसाब से। हमारा जो रॉड मिलता है पानी गर्म करने के लिए बकेट में वगैरह, हम विंटर में जनरली पानी गर्म करते हैं, तो वो हीटर हम नहीं यूज कर सकते क्या एक्वेरियम में? नहीं, अगर आपको फिश कड़ी खाना है तो आप उसको यूज करो, उसके अंदर मसाला डाल देना, उसके अंदर आपको क्या करना है, नमक डालना है और दो तीन टाइप के मसाले डालना है, आपको फिश कड़ी मिल जाएगी रेडी। उसके बाद आपको टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट नहीं होता है भाई, उसका इतना ज्यादा पानी गर्म हो जाएगा कि आपको मच्छी बॉइल करके उसका सूप मिल जाएगा मच्छी का पीने के लिए, फिश कड़ी बना के खा लेना। यूज नहीं करना है, अगर नॉर्मल मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, बट फिश कड़ी खाना है तो करे, बाकी तो मत करे मेरे हिसाब से। ठीक है यार, सही है। तो आरिफ भाई, जो भी लोग नया हीटर बाय करते हैं या नया फिश टैंक लेते हैं तो उनको पता नहीं रहता है हीटर कैसे लगाना है टैंक में, बहुत बार करते वो ब्रेक कर देते हैं हीटर को या डैमेज कर देते हैं, तो उनके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहोगे? एक्चुअल क्या होता है कि देखो, इसके ऊपर भी लिखा है हीटर लगाने का तरीका, यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, राइट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है ये बताया। ये तो नॉर्मल कॉमन है कि अंदर आपको लगाना है, मैंने खुद ही पर्सनली बोल दिया हूँ कि आपको, तो अभी तो दिखा भी रहा हूँ कि इसके अंदर किस तरीके से लगाना चाहिए। यहाँ पे रॉन्ग वाला दिखाया है, यानी वो आधा बाहर में है टैंक के पानी से, तो वो ब्रेक हो जाएगा उसमें। हाँ, और काफी लोग का एक बात बता देता हूँ आप लोगों को मैं, कि अगर आप ट्रीटमेंट के दौरान 50% पानी रखते हो, 50% पर आपका हीटर इस तरह से बैठता नहीं है, आपने खड़ा लगाए हो इस तरह से, आपका बैठता नहीं, आपने ऐसा स्ट्रेट किया हो, तो आपको क्या करना है कि ट्रीटमेंट के दौरान आप इसको हीटर को नीचे सुला के भी लगा सकते हैं ना, हीटर हीटर बैठ नहीं रहा है तो। हाँ, आप उसको क्रॉस में लगाओ, इस तरह से लगाओ, या बैक साइड में कांच में इस तरह से लगा लो, मगर एक चीज ध्यान में रखे, इसको थोड़ा हीटर कांच होता है तो जब भी पानी चेंज करेगा हीटर बंद करना जरूरी कंपलसरी। ओके, और सेकेंड थिंग, आप जो पत्थर वत्थर के पेबल्स वगैरह लगे हो उसके अंदर आपको घुसाड़ना नहीं, कांच फट जाएगी और हीटर का करंट, हीटर फट जाएगा, उसके करंट लगने के चांसेस ज्यादा है। और सेकेंड थिंग, आपको बैक साइड में यूज करना है, बैक साइड में या राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, नीचे के साइड में आपको बॉटम में हीटर नहीं लगाना है, क्योंकि बॉटम में नहीं लगाना है, नीचे तलवे में लगाना है तो हीटर फट जाएगा। जैसे कि पूना वगैरह, नासिक वगैरह जो भी गाँव है हमारे, यहाँ पे ज़्यादा करके मच्छियों को दुकान के शॉप वाले के, मैं गया था एक बार पुणे में गया था, तो वहाँ पे मच्छी को वाइट स्पॉट काफ़ी लगा हुआ था, तो लोग क्या करते हैं कि सब मच्छी के जितने भी टैंक के सबके अंदर ब्लू लिक्विड लोग डाल के रखते हैं, तो उसके लिए उन लोग को मैं बता देता हूँ कि उन लोग अगर शॉपकीपर से तो उन लोग हीटर लगा सकते हो। एक नॉर्मली थर्मामीटर भी यूज करना, अगर आपकी टैंक को व्हाइट स्पॉट लगा है तो, अगर जैसे एग्जांपल एक टैंक को लगा है तो आप सब टैंक में ब्लू लिक्विड मत डाले, एक टैंक में आप इसको ट्रीटमेंट करें, ट्रीटमेंट होने के बाद सेकंड टैंक का नंबर ले ले, वो हीटर लगा के दूसरी टैंक में डाले, ऐसा आप ट्रीटमेंट करते रहेंगे। और ध्यान रखें, अगर आपके इधर ठंडी ज़्यादा है तो पानी कम चेंज करें, और रॉक सॉल्ट यूज़ करें जब भी पानी चेंज करें, क्योंकि रॉक सॉल्ट डालने की वजह से थोड़ा सा व्हाइट स्पॉट लगने के चांसेस कम होते हैं। सो थैंक यू आरिफ भाई, बहुत ही अच्छा सा नॉलेज शेयर किया है आपने हमारे साथ में रिगार्डिंग हीटर। हीटर बहुत छोटी चीज़ है बट बहुत ही काम की चीज़ है, ये आज पता चला होगा हमारे व्यूवर्स को। तो आरिफ भाई, आप कुछ कहना चाहोगे? काफ़ी लोगों को हीटर के बारे में मालूम नहीं था, ये हीटर का कितना महत्वपूर्ण रोल है। यहाँ पे जितने भी शॉपकीपर्स है या फिर जितने भी हैचरी वाले हैं, जितने भी पॉन्ड वाले हैं, जितने भी बड़े बड़े फिशेस का जो बिजनेस करता है या बड़ा बड़ा जो ज़्यादा शौकीन है, उसको तो पता है कि हीटर के बारे में क्या है, बट नए जो हॉबीज लोग हैं जो फिशेस नए नए खरीदते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हीटर क्या चीज़ है,
तो ये आज मेरे वीडियो में बता चुका हूँ हीटर का कितना महत्वपूर्ण रोल है इसके अंदर, ज़रूरी इसके अंदर काम है हीटर का। हीटर बैक्टीरिया मारेगा, फंगल से बचेंगे आप, वाइट स्पॉट से बचेंगे आप, बैक्टीरिया से बचेंगे आप, अमोनिया एसिड से आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। आपको ज़रूरी है कि हीटर लगाना है, ठंडी विंटर का टाइम आ रहा है, बारिश आ रही है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपको हीटर यूज़ करना है ठंडी में और बारिश में। ओके, गर्मी में नहीं लगाएंगे तो भी चलता है, मगर व्हाइट स्पॉट आएगा तो लगाना कंपलसरी है। ओके आरी भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा सा नॉलेज दिया आरी भाई आपने, थैंक यू वेरी मच। ओके, ऊपर में जो सर्कल दिया है उस पर क्लिक कीजिए और फिशेस एंड प्लांट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोज देखने के लिए देखते रहिए फिशेस एंड प्लांट्स।